वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं ड्रम स्टिक बना रही हूँ और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने ड्रम स्टिक ले ली हैं, लेग पीस जो होते हैं, और इनको मैंने काट लगा लिया सबको। अब इसमें एक लेमन का जूस ऐड किया, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट ऐड की। अब इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ। वन टीस्पून जो है वो रेड चिली ऐड की है। और 2 टीस्पून जो है वो इसमें आपने तिक्का मसाला ऐड करना। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून आप ऐड करना है। और नमक का आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना। अब इनको अच्छे से मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये अच्छे से सारा हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अब एक पैन में मैंने ऐसे सारे लेग पीस रख लेने और ये बाकी जो इसका इसके ऊपर ऐड कर लूंगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको मैं रख दूंगी पकने के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे ना कवर करके रख देंगे। ये अच्छे से गल जाए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या करना है। माया चिकन ये देखिए हो गया, तो ये गल गया। अब इसको मैं ना डिश में निकाल लेती हूँ। उसका मसाला हमने इसी के साथ पकाना है जो पानी इसके अंदर हमने ऐड किया था। ये देखिए कितने अच्छे से गल गया। अब ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं इसके ऊपर से सारा चिकन उतार के ये वाले जो है ना ये हमने अलहदा कर लेने हैं, इसकी बोन। इस तरह से सारा चिकन इसके ऊपर से मैं उतार दूँगी। मैंने चिकन के ऊपर से ये सारा उतार लिया चिकन और बोन अलग कर लिया, और मैंने इसे छोटा छोटा काट लिया। ऐसे मैश कर लेना आपने किसी चीज़ के साथ, इसे बेशक डंडा ले कर उसके साथ काट लें। अब इसमें मैं थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी। वन टेबल स्पून आप ऐड कर लें। और ये लेमन जूस है ये मैं ऐड कर देती हूँ, इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाएगा ना, जूसी जूसी हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। इस जगह पे आपको अगर स्पाइसेस कम लगे, कोई चीज़ कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। अब मैंने जो बोल लग की थी उसके ऊपर इसको लगाना है। अब ये जो बोन मैंने इसकी निकाली थी ना, अब इसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी। आपने इस तरह से लेना, जो चिकन सही तरह मैश नहीं उसे बाद में फिर काट लेना। अभी हमने इसके बोन के ऊपर रखना है और इसका हमने ऐसे लॉलीपॉप बनाना है। बेबी को लॉलीपॉप बहुत पसंद है। आज देखिए ये चिकन लॉलीपॉप खाती है कि नहीं खाती। आप चाहे तो इसमें जो है ना वो एक अदद आलू भी मैश करके ऐड कर सकते हैं, उससे इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, लेकिन मैंने आलू नहीं इसमें ऐड किया।
ऐसे अच्छे से आपने इसकी जो है ऊपर ऐसे इसकी। अब इसका एक बैटर मैंने तैयार करना है, इसको ऐसे सारे लगा के हम इसको रख लेते हैं। ये मैंने सारे बोन्स के ऊपर ये लगा लिया, बना लिया इसके लॉलीपॉप। तो अब मैं जो है ना इसका बैटर तैयार करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने बेसन लिया है, आप चाहे तो अंडा भी ले सकते हैं, अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बेसन के साथ बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है, इसमें जो है वो मैं नमक ऐड कर लेती हूँ। साथ थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं, मेरी चम्मच की तीखी। थोड़ी सी इसमें मैं रेड चिली ऐड करूँगी, उसके अंदर भी स्पाइसी था इसलिए हम कम ही ऐड करेंगे, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और 1 टेबल स्पून मैं ऑयल ऐड करूँगी। हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करके। बैटर ऐसा रखना है कि इसके ऊपर जो है ना उसकी कोटिंग हो जाए, ज़्यादा पतला नहीं करना। इसका मैं बैटर बना लेती हूँ। अब इसका बैटर मैंने तैयार कर ही है, अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैं ऐड करूँगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने इसको बैटर लगा के फ्राई कर लिया, गैस नहीं थी, बहुत वेट किया, लेकिन मैंने कहा कि बच्चों को भूख लगी है तो मैं इसमें कर लेती हूँ। मुझे इसका इलेक्ट्रिक का इतना नहीं पता, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको फ्राई कर रही हूँ, तो हो तो रहे हैं, मैंने इसलिए बैटर लगाते ही दिखाया, मैंने पता नहीं होती हुई कि नहीं। तो ये कैसे बनते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और बैटर लगा के भी दिखाती हूँ मैं आपको भी, ये फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ऐसे आपने इसके ऊपर बैटर लगा देना तो सारी कोटिंग हो जाए। अब इसको हम पैन में ये तोड़ते हुए ला लें। आप इस तरह सारा बैटर लगा के सब ऊपर, तो आप इसको फ्राई कर लें। मुझे बेसन के साथ अच्छे लगते हैं इसलिए मैं आज बेसन के साथ बना रही हूँ। आप इसके ऊपर अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। अब ये फ्राई हो रहा है, इसके लिए मैं एक सॉस रेडी करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो आलू बुखारे की चटनी ली है, और 1 टेबल स्पून केचप, और 1 टेबल स्पून इमली सॉस लूँगी। ये बहुत अच्छी डिप बनती है, आप इस सॉस इसके साथ खाना बहुत मज़े की लगेगी। इसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने आलू बुखारे की चटनी ली है, 1 टेबल स्पून केचप और 1 टेबल स्पून इमली सॉस। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये इसकी जो है ना सॉस रेडी हो गई है। मैंने आलू जो है वो चिप्स की तरह काट लिए थे, अब बाकी बैटर जो बचा है उसमें ये इसकी कोटिंग करके मैं ना तो ये आलू भी फ्राई कर लेती हूँ, ये चिप्स बन जाएंगे। ये आलू मैंने अब इस बैटर में डाल दिया, ये वही बैटर है जो चिकन पे लगाया, अब इसे मैं ये फ्राइज बनाऊंगी। ठीक है, क्या बना लिया? मैं ये चिकन बनाया आपके लिए, और अब जो है ये चिप्स बना रही हूँ। अब ये जो है ना ये मैंने ऐसे ही आलूओं पे लगा के तो इसको फ्राई कर ले रहे हैं। तो ये फ्राई हो रहे हैं, आज बहुत गैस ने मसला बनाया था, मेरी सारी रेसिपी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर क्या करती, मैंने कहा चलो हाफ बनी हुई है तो बाकी जो है फ्राई इस पर कर लेती हूँ।
ये मैंने जो है ना विंटर में लिया था, लेकिन इसको यूज़ नहीं था किया, चाय वगैरह ही बस बनाई थी। तो मेरे ख्याल में तो इस पर रोटी नहीं थी बनती है, लेकिन मैंने भी ट्राई किया, कुछ नहीं। आज इसमें फ्राई कर रही हूँ तो हो ही गया कोई गुजारा, क्योंकि रात हो गई थी, बच्चों ने खाना भी खाना था, तो इस वजह से मैंने कहा चले आज इस पर कर लेती हूँ। तो रेसिपी अब देखें कैसी बनती है। तो ये फ्राई होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये फिर जैसा टाइम हो वैसा गुजारना पड़ता है, जो भी टाइम आए उसका गुजारा करना पड़ता है। मैंने कहा चलो इसमें ही आज करके देख लेते हैं। वैसे मुझे इलेक्ट्रिक पे मज़ा नहीं आता है, जो गैस पे पकाने का मज़ा है वो इलेक्ट्रिक पे नहीं होता है, लेकिन मजबूरी मुझे इस पे बनाना पड़ा। हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, देखे देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। बस आज गैस ने थोड़ी प्रॉब्लम बना दी थी, इस वजह से सिलेंडर में भी गैस नहीं थी है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने इलेक्ट्रिक पे ये फ्राई की है, इसलिए ऐसे थोड़े से हो गया ब्लैक ब्लैक, लेकिन ये बहुत टेस्टी बने। और आप मुझे ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको ये, इन सबको तो बहुत टेस्टी लगे और पसंद आया मेरी ये न्यू रेसिपी थी। आप इसको बनाना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।